वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूड जंक्शन में। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू। तो इसके लिए हमें हाफ कप घी लेंगे, घी मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, नहीं तो बेसन जल जाएगा। ऐसे हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन में ना हो जाए, ब्राउन कलर ना हो जाए। देखिए हमारा बेसन भून रहा है। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे क्योंकि हमारा बेसन ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को लाइट येलो ही पसंद है। अब हमारा बेसन भून गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे जिससे कि बेसन लड्डू दानेदार बनेंगे। और आपको इसे 2 मिनट और चलाना है, इससे आपके लड्डू दानेदार बनेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे। अब आप इसे बस 2 मिनट ऐसे चलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएगा तब हम इसमें बूरा ऐड कर लड्डू बना लेंगे। आपको इसको ऐसे ही ठंडा करना है, इसको फ्रिज में रखकर ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल जम जाएगा और लड्डू सॉफ्ट नहीं बनेंगे। जब तक ठंडा ना हो आपको ऐसे ही हिलाकर ठंडा करना है। और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी आपने इसमें बूरा ऐड करना है, नहीं तो ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। चलिए ये हमारा ठंडा हो गया है बेसन। अब हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं।
देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं। आप इनको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगाकर या कुछ भी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और ये हमारे लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे रेडी हो गए हैं। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।